आज का वीडियो उन माँ बाप के लिए है जो माँ बाप अपने बहू और बेटे को गाली देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मैं उन माँ बाप को बोल दूँ जो माँ बाप अपने बेटे और बहू को गालियाँ देते हैं। बेटे और बहू को गालियाँ तो देते हो आप, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आपका अंजाम क्या होगा बुढ़ापे में? अभी तो आप जवान हो, लेकिन जवानी में आप कुछ भी कह सकते हो अपने बेटे और बहू को, लेकिन बुढ़ापे में सहारा तो आपका बेटा और बहू तो बनेंगे ना। तो प्लीज़ अपने बेटे और बहू को गालियाँ ना दें। आपको जन्म देने का हक है, लेकिन गालियाँ देने का हक नहीं है, मारने का हक नहीं है। जिंदगी भर बेटे और बहू को गालियाँ दो और बुढ़ापे में ये आस रखो कि वो हमें देखेगा। अगर वो बेटा आपको देख भी रहा होगा ना, तो वो अपने कर्तव्य निभा रहा होगा। उसके दिल से आप निकल चुके होंगे, उसके दिल में आप नहीं रहोगे, निकल चुके हो आप उसके दिल से। वो अपना कर्तव्य निभाएगा, लेकिन उसके दिल में आप अपने लिए जगह कभी नहीं बना सकते। हर कोई बोलता है कि माँ बाप भगवान के रूप होते हैं, तो बट मैं तो नहीं जानती कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं या नहीं होते हैं। माँ बाप अगर भगवान का रूप होते हैं तो वो बच्चा डिसाइड करेगा। आप माँ बाप होकर खुद नहीं बोल सकते कि मैं भगवान हूँ। आप अगर भगवान हैं तो बच्चा डिसाइड करेगा आपका कि आप भगवान हैं या नहीं। हर माँ बाप भगवान नहीं होते। हमारी पांच उंगलियाँ हैं, पांचों उंगली बराबर दिख रही हैं आपको? नहीं ना। तो हर माँ बाप भगवान नहीं हो सकता। भगवान अगर आप हैं तो आपका बच्चा डिसाइड करेगा कि आप उसके लिए भगवान हो या नहीं। अगर आपने उसके साथ जवानी में अच्छा बर्ताव किया हो बच्चे के साथ, तो वो बुढ़ापे में 100% आपका बच्चा आपको देखेगा। और मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो बच्चे को आपने जवानी में साथ दे दिया हो, सपोर्ट किया हो, तो वो बच्चा आपको कभी नहीं फेंक सकता, कभी नहीं इनकार कर सकता, कभी नहीं आपको दर्द दे सकता, आपको देखेगा। लेकिन जवानी में उस बच्चे के साथ वैसा बर्ताव कीजिए जैसा एक माँ बाप का होता है। माँ को हमेशा बेटी के साथ फ्रेंड बन के रहना चाहिए, बाप को हमेशा बेटे के साथ दोस्त बन के रहना चाहिए। तब जाके ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती है, तब जाके बुढ़ापे में जाके आपको देखेगा आपका बेटा। ऐसे बहू बेटे को गाली देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जवानी में तो कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, लेकिन बुढ़ापे में जाकर बिगड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी पराई लड़की को गाली ना दें, क्योंकि पराई लड़की ही जो होती है वही आपको देखती है। आपका बेटा तो काम पे चला जाएगा, लेकिन देखेगी तो आपको पराई लड़की ही ना, जो आपके घर में बहू बन के आएगी। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पराई लड़कियों को गाली ना दें। अगर आप उसी बेटे और बहू के साथ रहना चाहते हैं, तो फिर उस बेटे और बहू को गालियाँ ना दें।